एम आई ऑडिबल अनमोल? ऑनलाइन क्लास? यस। चलो आए पीछे। देखो जो कल नहीं आए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कराया था तो ऑलमोस्ट सबको पता है, और एक पीएनडल एप्रोप्रिएशन का एक छोटा सा क्वेश्चन कराया था। तो पीएनडल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन जो है वो अपन एक बार देख लेते हैं। नहीं, सबकी अलग अलग करनी है क्योंकि नरेशन सबका लिखेंगे कि भाई आईओसी कितना है, सैलरी कितना है, पीएनडल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कितना है, एक साथ नहीं कर सकते। तो ये अपना क्वेश्चन था। यस, जो नहीं आए थे कल उन्होंने नोट कर लिया है। चलो अनिरुद्ध, इस क्वेश्चन में पीएनडल एप्रोप्रिएशन बनाओ। हाँ अनिरुद्ध, वहां से खड़े होके बोर्ड पे करना है, मतलब आप बताओ। हेलो अदिति, सिट डाउन। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 30,000 एंड 20,000, वापस देख लो। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। टू सैलरी की जगह क्या लिखना है? टू बी इज कैपिटल, हम इसकी कंबाइंड एंट्री कर रहे हैं, और 500 इंटू 12। कल्पना लास्ट के 10 मिनट्स में याद दिलाना। तो 2B's कैपिटल 6,000, सबको क्लियर है ना? आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। 2A's कैपिटल 30,000 का 6% 1,800, 20,000 का 6% 1,200। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3, प्रॉफिट 25,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है नहीं, आपको पता है ड्रॉइंग्स तो है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट तो अपन उसको कुछ यूज नहीं करेंगे। प्रॉफिट बांट दो 2A's कैपिटल 25 में से 9 गए तो 16,000 को 5/8 और 1000। बोलो पीएनडल एप्रोप्रिएशन सबको क्लियर है ना? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000, 2B's कैपिटल क्या है? ये सैलरी, और ये क्या है? आईओसी, और फाइनली प्रॉफिट बांट दिया, सिंपल। अब इसका पार्टनर्स कैपिटल, चलो पहले ना इसके जर्नल, जिन्होंने कल लिखा था उसके आगे जर्नल लिखो, जिन्होंने लास्ट दोनों अकाउंट नोट करे थे उसके आगे जर्नल लिखो। पहली जर्नल कल्पना लास्ट के 5-10 मिनट्स, 4 अगस्त की सेकंड एंट्री में कैलकुलेट कैसे करना है, बिल्कुल थोड़ी देर रुक जाओ, ये क्वेश्चन करा दूं पार्टनरशिप लास्ट के 5-10 मिनट में पूछ लेंगे।
बिल्कुल नहीं कर सकते। नरेशन अलग अलग लिखनी है ना, आईओसी सैलरी की अलग अलग, एक साथ कैसे कर सकते हो। चलो फर्स्ट एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये 25,000 का प्रॉफिट हम किसमें ट्रांसफर करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। जनरल का कॉन्सेप्ट क्या है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट हो रहा है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लॉस हो रहा है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट। मतलब फर्म को कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। फर्म जैसे आईओसी दे रही है, फर्म क्या कर रही है, पार्टनर्स को आईओसी, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो सिंपल है, पहली एंट्री लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 25,000। नहीं करेशन अलग अलग लिखनी है, आईओसी सैलरी की एक साथ कैसे कर देंगे, डिविजिबल प्रॉफिट की अलग लिखेंगे। पहली एंट्री लिख दी, सेकंड अभी बताया ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 25,000। नरेशन नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नरेशन है, ये कोई एंट्री होती है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड अब ये बी की सैलरी देखो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल 6,000, क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है इसलिए पार्टनर क्रेडिट, फर्म दे रही है इसलिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट। फर्म के लिए लॉस है, पार्टनर के लिए प्रॉफिट है। और नरेशन देखो, सैलरी ड्यू टू बी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ, अभी तो उसको ट्रांसफर कर रहे ना उसके कैपिटल अकाउंट में, पे करते तो बैंक आता, कैपिटल इंक्रीज कर रहे ना, वो लेके थोड़ी जा रहा है, तो विड्रॉन करेगा तब हो जाएगा। सेकेंड एंट्री कर ली सबने, थर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, थर्ड एंट्री ये लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें लिखी हुई नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 25,000। तो सेकेंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 1,800, 1,200, 3,000, इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर मंथ, पर मंथ नहीं पर एनम, ओहो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 4 न्यूमेरिकल के क्वेश्चन, 10-10 नंबर के, चारों चैप्टर से एक एक। फोर्टी मार्क्स का पेपर, 4 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के न्यूमेरिकल, चारों में से एक एक
एक एक क्वेश्चन चारों टॉपिक में से, चार चैप्टर है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस, डेप्रिसिएशन और कंसाइनमेंट, सब न्यूमेरिकल का एक एक क्वेश्चन आएगा, 10-10 मार्क्स का चार क्वेश्चन। चलो ये एंट्री हो गई सबकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और 16,000 डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 5:3। इसके अलावा एक एंट्री और करनी है पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स की, पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स की फिफ्थ एंट्री लिखो, एज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट डायरेक्ट ट्रांसफर की तो काटो, नेक्स्ट ये एंट्री मत लिखो, नेक्स्ट लिखो, मतलब जो ए की ड्रॉइंग की और बी की ड्रॉइंग की अलग अलग करते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज ड्रॉइंग्स अकाउंट, देखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज ड्रॉइंग्स अकाउंट, और कितनी ड्रॉइंग करी है उन्होंने 8,000। डायरेक्शन लिखो ड्रॉइंग्स ऑफ ए चार्ज या डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, डायरेक्शन टू ए डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स ऑफ ए डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। अब सेम एंट्री बी की कर दो, और वही 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 ड्रॉइंग्स अकाउंट 10,000। तो ये सबसे सिंपल इजी सा क्वेश्चन था एक। नाउ हाँ क्यों, हाँ जी बच्चे स्टैंड अप, अगर बेटा आपको याद है तो ये बताओ, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती है किसी पार्टनर्स के बीच में तो कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, याद है कभी पढ़ा है आपने, बताओ। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हो रखा है, पार्टनरशिप डीड नहीं बन रखी है, तो ऑटोमेटिक कोर्ट के थ्रू कुछ रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। कौन से रूल एप्लीकेबल हो जाते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, इज शी राइट? हाँ, और बताओ, एक ही और भी है? इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। नेक्स्ट, नो आईओसी, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। थैंक यू राउन। हेलो राम रहीम करीम, राम रहीम एंड करीम आर द पार्टनर, दे हैव नो एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस, कोई एग्रीमेंट नहीं है। अब बताओ, अब सुनना ध्यान से, अब तुम बताओ तुम सही हो या राम सही है। राम हु हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। राम ने बोला भैया सबसे ज्यादा पैसे मैंने लगा रखे हैं तो मुझे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, बट रहीम एंड करीम डू नॉट एग्री। इसमें राम सही है या रहीम करीम सही है? राम रहीम के भक्त है तुम, तो रहीम एंड करीम डू नॉट एग्री। क्या हुआ? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा चाहे तुमने कितनी भी कैपिटल लगा रखी है। पहली बात क्लियर है?
देखो आंसर नंबर टू, आंसर नंबर टू, पॉइंट नंबर वन, आंसर नंबर टू, पॉइंट नंबर वन, लिखो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पॉइंट नंबर ए लिखो या पॉइंट नंबर वन लिखो, उसके आगे लिखो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो आईओसी विल बी प्रोवाइडेड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो आईओसी विल बी प्रोवाइडेड, नो आईओसी विल बी प्रोवाइडेड। तो राम विल नॉट गेट, तो राम विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो राम विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हेलो सेकेंड पॉइंट, रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस, रहीम ने पूरे दिन रात सुबह शाम बिजनेस के लिए मेहनत करी है। अच्छा इसमें एक और बात लिखी हुई है, एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, ये भी गलत है, इसी में लिख लो फर्स्ट पॉइंट का ही बी पार्ट, फर्स्ट पॉइंट में बी पार्ट लिख लो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया हो डजंट मैटर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। ये पांच नंबर का क्वेश्चन आएगा तो मैं तो तुम्हें ये दिखा रहा हूँ प्रेजेंटेशन कैसे करना है, बाकी आप नो एंट्री लिख देना तो फिर अगला भी नो एंट्री कर देगा। चलो नेक्स्ट, रहीम हैज डिवोटेड, रहीम पूरे दिन सुबह शाम दिन रात बिजनेस में काम कर रहा है, तो उसने डिमांड करी कि मुझे 500 रुपए महीने की सैलरी मिलनी चाहिए, बट क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी मिलेगी क्या? देखो पॉइंट नंबर टू, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो सैलरी विल बी प्रोवाइडेड टू रहीम इक्वल, प्रॉफिट एंड लॉस वो दोनों का ही रेशियो होता है, इमन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो सैलरी विल बी प्रोवाइडेड, तो रहीम विल नॉट गेट एनी सैलरी, तो रहीम विल नॉट गेट एनी सैलरी। थर्ड, करीम ने फर्म को लोन दे रखा है कितने का और इंटरेस्ट मांग रहा है 12%, क्या 12% मिलेगा क्या 6%? देखो पॉइंट थर्ड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड interest on loan will be provided at the rate 6% per annum. So Kareem will not get interest on loan. दिखाया ना मैंने 6%। अरे तो करीम विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम।
चलो अब हमें एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलो बनाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तीन चार लाइन में बन जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट पहले तो लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000। अच्छा आप सुनो अनिरुद्ध, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन और रेंट, ये तीन चीजें चार जगह प्रॉफिट होती है, तो उसको अपन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में शो करने की जगह प्रॉफिट के नीचे ही माइनस कर देंगे। तो बाय नेट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000 मेन कॉलम से पहले लिखो, बात नहीं बेटा काट के इधर, और नीचे लिखो लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अपन यहीं पे माइनस कर देंगे 2000 का 6%, ये 12% तो लेना नहीं है। उसमें कोई लोन की डेट भी गिवन थी क्या पूरे साल का? तो 120 और 2 जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व तो एप्रोप्रिएशन है, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है जनरल रिजर्व के बारे में, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ द ट्रांसफर टू रिजर्व। और बाकी का जो कौन कौन है, राम रहीम करीम, जब तक क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल नहीं लिखा हुआ है उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे। अब इसमें से माइनस करके कितना आया, इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 1/3 तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। कोई आईओसी सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कुछ नहीं देना, खाली इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, रिजर्व 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। लास्ट में जो बच जाता है सारे सारे एडजस्टमेंट करने के बाद तो फाइनली बचता है, जैसे अपन ने रिजर्व माइनस करने के बाद लिया, यहाँ ये माइनस करने के बाद मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद जो है उसका 10%, अगर आईओसी सैलरी होता तो वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो डिविजिबल प्रॉफिट है। अरे सबने नोट कर लिया ना ये, आठ नौ दिन दस दिन तो लगेंगे पार्टनरशिप।
थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ भी हो गया। पार्टनर्स कैपिटल बना लिया ना बेटा ए और बी का। देखो जरा ये वाला पेड एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया अपन ने, एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन हो गए। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो कैपिटल रेशियो। यस नेक्स्ट हेडिंग लिखो कैपिटल रेशियो। छोटे छोटे क्वेश्चन है, हेडिंग लिखो कैपिटल रेशियो। अदिति कैपिटल रेशियो, चलो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा एकदम क्वेश्चन है, छोटा सा थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ए एंड बी फॉर्मड ए पार्टनरशिप विद अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 50,000 30,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1st January। कब से बिजनेस, कब से स्टार्ट किया उन्होंने? 1st January से। द प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर इन द कैपिटल रेशियो, तो हमें कैपिटल रेशियो निकालना है। अरे वाह वेरी गुड आस्था, 5:3। तो 5:3 आस्था ने डायरेक्टली बता दिया 50,000 30,000। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, साल के बीच में कितनी बार इन्होंने कैपिटल नहीं लगाई है, तो क्या लिखा हुआ है? कैपिटल इंट्रोड्यूस और कितना कैपिटल विथड्रॉन। इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद जो कैपिटल आएगी उसके रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटना है, डायरेक्ट 5:3 बांटना है। ओके चलो ठीक है, पहले हम ए की कैपिटल निकालेंगे फिर बी की कैपिटल निकालेंगे। और कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे? चलो पहला कॉलम बनाओ, पहले ऊपर लिखो एज कैपिटल। इलस्ट्रेशन नहीं है, ऐसे एग्जांपल है कोई? वो भी नहीं है बेटा, एग्जांपल नंबर नहीं होता है। कैपिटल रेशियो लिखो ना, आपको क्या करना है, आप कॉपी से पढ़ लेना। हाँ एज कैपिटल लिखा, पहला कॉलम बनाओ डेट, पहला कॉलम डेट, फिर अमाउंट, फिर टर्म, प्रोडक्ट। डेट अमाउंट टर्म प्रोडक्ट, ठीक है, डेट अमाउंट टर्म प्रोडक्ट, ऐसे कॉलम बनाओ। चलो ध्यान से समझ लेना, बहुत इजी है। पहली बार उससे कैपिटल कब लगाई है? देखो 1st January। हाँ जी बच्चे 1st January लिखो डेट। अमाउंट लिखो 50,000। सिर्फ ए पे फोकस करना है 50,000। अब सुनो ये 50,000 कितने महीने रहे बताओ? अरे 1st January से 31st March, देखो 31st March को उसने कंट्रीब्यूट किया है, 3 महीने रहे ना। टर्म में 3 लिखो, टर्म में 3 और अमाउंट इनटू टर्म करके प्रोडक्ट। अच्छा ये बताओ 31st March को हमारी कैपिटल कितनी हो गई? नीचे फिर लिखो डेट में 31st March और अमाउंट में लिखो 55,000, क्योंकि 5,000 इंट्रोड्यूस कर दी, पहले 50,000 थी, 5,000 और लगा दी तो 55 हो गई। अब रुको रुको रुको, ए ए ने ये किया है नेक्स्ट विथड्रॉन, कब किया है? तो इसका मतलब ये 55,000 कितने महीने रहे? अप्रैल, मई, जून,
अप्रैल में जून, 3 मंथ्स लिखो और 165 लिख दो। क्लियर है ना कहानी? मतलब 31 मार्च से लेके 1 जुलाई तक हमारी कैपिटल कितनी रही थी? 55,000। ओके यू? हाँ बेटा क्लियर है ना? 50,000 था, 5,000 और इंट्रोड्यूस कर दिया। अब 1 जुलाई को 3,000 विड्रॉन करें। नीचे नेक्स्ट लिखो 1 जुलाई, 1 जुलाई को 55 में से 3 विड्रॉन कर लिए तो कितने बचे? 52,000। अब रुको, एक का कोई ट्रांजेक्शन देखो कब है, 1 सितंबर को है ना। अरे एक का ट्रांजेक्शन 1 सितंबर को है कि नहीं है? तो जुलाई अगस्त दो महीने, जुलाई एंड अगस्त 1 सितंबर तक, तो लिखो 2 मंथ्स और 1,04,000। फिर लिखो 1 सितंबर। अब सुनो, पहले की कैपिटल 52 थी और नया इंट्रोड्यूस कितना कर दिया? 5,500। तो अब नई कैपिटल 1 सितंबर को कितनी हो गई? 57,500। लिखो 1 सितंबर को 57,500 और वो भी 2 महीने रही है क्योंकि एक का ट्रांजैक्शन यहां लिखा हुआ है। तो सितंबर और अक्टूबर, सितंबर एंड अक्टूबर 2 मंथ्स लिख दो, 2 मंथ्स 1,15,000। दिसंबर 30 जनवरी है ना, स्टार्टिंग ईयर बेटा जनवरी है ना। अच्छा अब सुनो, 57,500 में से 1 नवंबर को 4,500 विड्रॉन कर लिया तो कैपिटल कितनी बची? 53,000। देखो 53,000 नवंबर 1 और नवंबर और दिसंबर 2 मंथ्स, अब प्रोडक्ट का टोटल कर दो। अब प्रोडक्ट का टोटल नहीं बेटा, सारे प्रोडक्ट का टोटल, सिक्स लाख 40,000। अब ऐसा ही काम तुम्हें बी के लिए करना है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने, बी की कैपिटल का भी ऐसी टेबल बनाओ। डेट भी तो देखनी पड़ेगी ना, डेट भी तो देखनी पड़ेगी ना, कौन सा कब किया है। पूरे साल में एक साथ हो रही है कि भाई 10 लाख कैपिटल लगाई, 4 लाख विड्रॉन कर ली, अब तो ठीक है। ये तो अलग अलग डेट पे अलग अलग हो रहा है, तो उसका भी तो फर्क कैसे नहीं पड़ता। कितने दिन कितनी कैपिटल रही, 50,000 कितने महीने रही, 20,000 कितने महीने रही, वो भी तो निकालना है। बी का निकाल, बी की टेबल बनाओ सेम, देखते हैं आज तक अकॉर्डिंग 5:3 आ रहा है क्या। ध्यान से देखो, बी ने कब इंट्रोड्यूस किया, कब विड्रॉन किया और कितना बैलेंस बचेगा, उसके अकॉर्डिंग मंथ से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालते जाओ। निकाल लिया 30,000 3 मंथ्स, 28,000 3 मंथ्स, 9,000 प्लस 10,000 कभी भी डेट्स अलग हो, अमाउंट अलग हो, यू हैव टू यूज प्रोडक्ट मेथड, वो सबसे बेस्ट मेथड है। तो रेशियो निकालो 6,40,000 और 4 लाख का, वो कैपिटल रेशियो आ जाएगा। 6,40,000 और 4 लाख का रेशियो निकालना है। डेट रेशियो 5, यही हमें निकालना था।
क्लियर है ना ये? तो न्यू कैपिटल आ गई 6,40,000 और 4 लाख, उनका रेशियो निकालना है 8:5 प्रोडक्ट के टोटल का रेशियो। इलस्ट्रेशन 5 ऐसा ही कट कॉपी पेस्ट है। चलो नाउ इट्स योर टर्न। ये क्वेश्चन में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बनाओ। इट इज योर प्रैक्टिस, आपको सबको इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। लेकिन क्या लिखा हुआ है? अज्यूमिंग द कैपिटल टू बी फिक्स, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स करंट। स्टार्ट करो पहले इसका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओ। तो भी लिखा हुआ है, देख लो। हाँ दोनों सेम है, 6% आईओसी आईओटी दोनों 6% है। पीछे क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6। बस आपको पता है जहां पे भी कैपिटल वर्ड आएगा उसकी जगह क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट, बिकॉज फिक्स कैपिटल मेथड है। सबको आता है ये क्वेश्चन, जल्दी से कर लो। अच्छा तुम्हें पता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में अगर पर एनम की रेट गिवन हो तो एवरेज मंथ कितना लेते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता कब ड्रॉइंग करी है, तो हम एवरेज मंथ कितना लेते हैं? 6 मंथ। चलो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओ इसका। अनिरुद्ध जी आपको नहीं बनाना? ड्रॉइंग की रेट गिवन नहीं हो तब तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लगाना, तभी तो एवरेज 6 मंथ ले रहे हैं। इसमें ड्रॉइंग की मंथ कहाँ गिवन है? एवरेज 6 मंथ लेना है, मतलब 6/12 करना ही है खाली आईओडी में। एक क्वेश्चन कर दो जल्दी, 5 मिनट का क्वेश्चन है। अभी वो पहले वाला क्वेश्चन चल रहा है क्या? एक दो भाई नेट प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट काम बनाया है। 6 आईओडी बोरी 8,000 और 10,000 और उसका 6% इंटू 6/12। दिसंबर में है ना, सेकंड वीक में होगा। वो तो जाना चाहिए 31 अगस्त से लास्ट डेट। हाँ ड्रॉइंग्स कब करी? जून जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर हमें नहीं पता, खाली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं, वो तो पूरे साल के लगेगा। तो 31 तारीख ही होती है 31 अगस्त।
तो अब की बार डेट एक्सटेंड कर दी, तो ये भी एक्सटेंड कर देगी। जल्दी से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। पहले पार्टनर बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी, बस कैपिटल में और कुछ नहीं दिखाएगा, बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में, क्योंकि फिक्स मेथड है। बाय बैलेंस बीडी देखो, ये बाय बैलेंस बीडी कितना 50-30 और टू बैलेंस सीडी 50-30, बस खत्म करो। अब बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में आएगी। नहीं बेटा अभी नहीं निकले अनमोल है, करंट अकाउंट बनाना है ना, देखा है ना, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। कैपिटल में खाली कैपिटल आएगी, बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में। टू बैलेंस शीट लिख दो उधर, कैपिटल ऊपर वाला है ना कैपिटल अकाउंट, अब तो इसमें लिख दो टू बैलेंस शीट, बस हो गया। इधर बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आईओसी, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन सैलरी, टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब लिखो। मतलब जो चीजें कैपिटल में आती थी वो सारी इसमें आ जाएगी। अब लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। हमें क्या पता ड्रॉइंग कब ली, जून जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर कब ली, हमें नहीं पता। इससे बता लिखा हुआ है विड्रॉन, कब विड्रॉन करना नहीं पता। तो एक एवरेज लेते हैं 6 मंथ, ये रूल है। हाँ एवरेज 6 मंथ लेते हैं भाई, 6 मंथ की एफडी लगेगी। हाँ अगर डेट दी होती तो अपन उसके अकॉर्डिंग लगा देते हैं, नहीं दी हुई इसलिए एवरेज 6 मंथ फिक्स है। बनाना है लिखा हुआ है ना, हाँ ड्रॉइंग्स, नहीं 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 सब करंट अकाउंट में, कैपिटल में खाली कैपिटल विड्रॉन और कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो तो। ड्रॉइंग्स कैपिटल विड्रॉन थोड़ी होती है, वो तो कैपिटल में से पैसे निकाल रहे हैं। वाह सलोनी, ये इधर बाय कब से आने लग गया, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी तो आएगा इधर, तो टू ड्रॉइंग्स भी तो आएगा, तो ड्रॉइंग्स का अमाउंट है हाँ डेबिट में। कैपिटल तो हो गया, टू बैलेंस शीट लिख दो 50,000-30,000, नहीं आएगा। ड्रॉइंग भी करंट अकाउंट में आता है, सब कुछ करंट अकाउंट में आता है। हाँ ये सही तो है, कैपिटल बाय बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट हो गया बस। टू ड्रॉइंग्स भी लिखो और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बन गया। कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, सारी चीजें करंट अकाउंट में आएगी। कैपिटल में खाली बाय बैलेंस बीडी 50-30, टू बैलेंस सीडी 50 और 30, समझ गए ना, वो सब पी एंड एल, वो सब करंट अकाउंट में। स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस तो बाय बैंक, जब कैपिटल विड्रॉन लिखा हो मौली, ऐसा लिखा हो कि कैपिटल विड्रॉन, दे हैज विड्रॉन द कैपिटल। अभी अपन ने जो रेशियो वाला क्वेश्चन किया था उसके अंदर था कैपिटल विड्रॉन, तो अगर क्वेश्चन में कैपिटल विड्रॉन और कैपिटल इंट्रोड्यूस हो तो ही वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में आएगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में कोई नया कैपिटल लगाई नहीं है, नई कैपिटल विड्रॉन नहीं करी है, तो फिर कैपिटल अकाउंट में खाली बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी आएगा। ये पीछे करंट अकाउंट देख लो, इसमें अलग अलग बना हुआ है, तुम एक साथ ही बना लो राम, एक साथ करंट अकाउंट राम रहीम पर्टिकुलर्स, राम रहीम पर्टिकुलर्स, राम रहीम।
एक साथ ही बनाओ। ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सब करंट अकाउंट में आएगा। दोनों का देख लो, बी का आंसर इतना रहेगा। हाँ हाँ बोलो बोलो बास्ता। आईओडी लिखो ना। हाँ तो ये भी सही है, लेकिन इसको आईओडी लिखो ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, ये ड्राइंग थोड़ी है। हाँ मतलब वही इंटरेस्ट। हाँ बस सही है ना, सिर्फ करंट अकाउंट के। ड्रॉइंग इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग सब आएगा ना। ड्रॉइंग्स तो बैंक के नाम, ड्रॉइंग्स तो सीधा ड्रॉइंग्स लिखो, टू ड्रॉइंग्स या बैंक के नाम से, बैंक के नाम से, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं, बैंक नहीं, टू ड्रॉइंग्स लिखो सीधा। बैंक कैसे होगा? देख एंट्री होती है, बैंक टू ड्रॉइंग्स टू बैंक, फिर करंट अकाउंट टू ड्रॉइंग्स। पहले अपन ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन किया तो उसको करंट अकाउंट से क्लोज करें तो क्लोजिंग एंट्री। और सर इनकी क्या क्या आता है? तो फिर यहाँ पे भी टू आईओसी टू सैलरी वो लिखना पड़ेगा ना। ये तो बहुत इजी है, चलो चलो नाउ नेक्स्ट हेडिंग। ये क्वेश्चन हो गया ना सबका, इजी था। नेक्स्ट हेडिंग लिखो गारंटी टू ए पार्टनर, हेडिंग लिखो गारंटी टू ए पार्टनर। भाई बैलेंस बीटी टू बैलेंस शीट लिख दो। गारंटी टू ए पार्टनर, हाँ तभी उसको कैपिटल अकाउंट में ड्रॉइंग लिख ली। नहीं हाँ, सिर्फ विड्रॉ लिखाओ, ड्रॉइंग्स लिखाओ, वो करंट अकाउंट में आएगा। कैपिटल विड्रॉल लिखाओ तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। गारंटी टू ए पार्टनर, मौलिक। तो कुणाल और मौलिक पिछले 45 मतलब सॉरी कुणाल और मौलिक की जो एज है वो 45 प्लस हो गई है, और वो पिछले 20 साल से कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टनर अंगूठा छाप है, क्या है? इलिटरेट। लेकिन लेकिन नॉर्मल बिजनेस करना उनको आता है, नॉर्मल उनको बिजनेस करना आता है, बिजनेस कर रहे हैं दोनों पार्टनर। लेकिन आजकल क्या जमाना थोड़ा मॉडर्न आ गया है, ऑनलाइन डिजिटल का जमाना है, और बिजनेस थोड़ा डाउन जाने लग गया। तो द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA मानस, तो इन्होंने क्या किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA जो मानस है वो कहीं से गलती से इन अंगूठा छापों के कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, और गलती से इनसे मानस के कॉन्ट्रैक्ट में आ गया और बोला भाई तू हमारा पार्टनर बन जा, आजकल हमसे बिजनेस संभल नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, तुम्हारा पार्टनर तो बन जाऊंगा मैं, तुम्हारी शक्ल सूरत ऐसी है नहीं कि मैं तुम्हारा पार्टनर बनूं, और ना ही तुम्हारा लेवल है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं। कोई बात नहीं, करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे मिनिमम, तुम्हें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैं तो मेरी पूरी नॉलेज यूज करूंगा, चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मुझे कम से कम 5 लाख की गारंटी चाहिए कि मुझे तो 5 लाख रुपए प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, मुझे तुमसे मतलब नहीं है, 5 लाख से मतलब है। अगर 5 लाख की गारंटी देते हो तब तो मैं तुम्हारा पार्टनर बनूं, नहीं तो जैसे चल रहे चलने दो, हमारी जितनी इज्जत मार्केट में उतनी रहेगी, आगे बढ़ नहीं सकती। बोले ठीक है कर लेते, वैसे भी अपने को तो क्या ही आता है, नाम लिखने में 3 बार सोचना, लिख लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
तो उन्होंने क्या किया, मानस को एज ए पार्टनर इंट्रोड्यूस कर लिया और उसको गारंटी दे दी कि तुम्हें इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से कई बार कोई स्किल्ड पार्टनर या कोई ऐसी चीज कोई कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे एक एक पार्टनर को मिनिमम गारंटी मिल जाती है। ठीक है, अरे पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो, तुम दोनों आज पढ़ लेते तो ये नौ बता दी क्या अंगूठा छाप। हाँ, गारंटी इज गिवन बाय फर्म, गारंटी इज गिवन बाय ए, गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी इक्वल। बहुत सिंपल सा जनरल सा क्वेश्चन है। टोटल देखो प्रॉफिट कितना है, 9 करोड़। मानस ने तो बड़ी डील रख दी, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए मिनिमम, और प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 2.50 करोड़। और 1.16 शेयर के लिए एडमिट किया। तीनों केस अपन करेंगे, लिखना स्टार्ट करो साथ साथ। गारंटी बाय फर्म, सबसे पहले लिखेंगे गारंटी बाय फर्म। अच्छा आप सुनो, पहले गारंटी बाय फर्म का सबसे सिंपल तरीका तुम्हें बताता हूं, सबसे इजी, बेस्ट से बेस्ट। जो पार्टनर जिसको गारंटी मिलती है उसको पहले ही दे दो, और बचा हुआ उनके ओल्ड रेशियो में बांट दो, दैट्स इट। कौन कौन बच गया, सबसे बेस्ट तरीका है ए और बी को बांट दो, उस बचा हुआ 6.5 बच गया, रेशियो गया 3:2। चलो हो गया क्वेश्चन। गारंटी बाय फर्म सबसे सिंपल है, चाहे कितना भी उसका रेशियो है कुछ भी है, तुम तो एक काम करो जितनी गारंटी है उसको पहले दे दो, बचा हुआ बाकियों में बांट दो। 9 करोड़ में से 2.5 करोड़ इसको दे दिया जो मिलना ही है मिनिमम, बचा हुआ इन दोनों के लिए बच गया, वो उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3/5 और 2/5, 6.5 करोड़ को। एस कैपिटल 6.5 करोड़। अरे पहली गारंटी क्लियर है ना, ओके सेकेंड है गारंटी बाय ए, अब सुनो, अगर किसी पार्टनर की गारंटी है तो पहले अपन न्यू रेशियो निकालते हैं, तुमने एडमिशन में न्यू रेशियो निकालना सीखा होगा,
चलो निकालते हैं। पहले वो दोनों कितना बांट रहे थे, वन वन में से वन अपॉन सिक्स किसको दे दिया, सी को। अरे वन में से वन अपॉन सिक्स सी को दिया, नहीं दिया तो उन दोनों के लिए कितना बच गया, ए बी सी। देखो ए का ओल्ड रेशियो क्या है, ए का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5। बी का ओल्ड रेशियो क्या है, 2/5 इंटू 5/6 इंटू 5/6 समझ गए ना। वन में से वन अपॉन सिक्स किसको दे दिया, सी को। उन दोनों के लिए कितना बचा, 5/5/6 को इसके ओल्ड रेशियो से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 15/30 10/30 और उसका डिनोमिनेटर 30 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो 15:10:5:3:2:1 यहां तक ये कहानी क्लियर है, 3:2:1। अगर तुम न्यू रेशियो नहीं भी निकालना चाहते हो तो भी काम चल जाएगा बिना न्यू रेशियो निकाले। चलो आपको पता है इसका टोटल प्रॉफिट कितना है, बताना। इसका पार्ट 1/6, इसका पार्ट 1/6, ध्यान से समझना, 9 करोड़ का 1/6 उसका पार्ट है, मतलब इसको फर्म कितना दे रही है, 1.5 करोड़। इसकी कहानी क्लियर है, 9 करोड़ में से 1/6 1.5 करोड़ फर्म दे रही है। अच्छा 9 करोड़ में से 1.5 करोड़ इसको फर्म दे रही है, तो इन दोनों के लिए कितना बचा, 7 करोड़ 50 लाख। अरे 7 करोड़ 50 लाख बचा, नहीं बचा, इंटू 3/5 इंटू 2/5 मतलब 4.5 और 3 तो और 1.5। पहली बात तो क्या हुआ, समझ में आ गया, फर्म जिसको जितना प्रॉफिट दे रही है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या तो 3:1 में 9 करोड़ को सीधा 3/6 2/6 1/6, तो यही आंसर आएगा 4.5 3 और 1.5। न्यू रेशियो नहीं निकालना चाहते हो डायरेक्ट कर दो, 9 करोड़ का 1/6 इसको कितना मिल गया, 1.5। इन दोनों के लिए कितना बचा, 7.5 करोड़। 7.5 करोड़ को 3:2 में बांटा, 4.5 और 3 करोड़ आ गया। अब पूरी की पूरी गारंटी किसने दी है, अच्छा इसको गारंटी कितने की थी, 2.5 की। कितना कम है, 1 करोड़ कम है ना, तो एड गारंटी बाय ए, 1 करोड़ इसको कौन दे देगा, ए, और लेस ए में से क्या कर देंगे, गारंटी टू सी। तो सी को 1.5 देनी थी फर्म से मिल गया उसको, बचा हुआ 1 करोड़ कौन देगा, ए देगा। तो जितना कम है, जितनी डेफिशिएंसी है, क्या है जितनी, वो ए देगा, तो ए में से माइनस और सी में प्लस, 1 करोड़ ए में से माइनस, 1 करोड़ सी में प्लस। अरे क्लियर है ना तुम्हें, शुरू के 3 चैप्टर जो एडमिशन तक है आपके सीए फाउंडेशन में, जो एडमिशन तक के चैप्टर्स हैं वो 12 से भी ज्यादा इजी है। आप जब इलस्ट्रेशन करोगे, एडमिशन तक का जो चैप्टर है, रिटायरमेंट डेथ थोड़ा अलग है, रिटायरमेंट डेथ तुमने 12th में पढ़ा भी कम है, थोड़ा फोकस भी कम किया है, किसी ने नहीं भी पढ़ा है उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो थोड़ा हार्ड भी है, उस पर कैलकुलेशन भी ज्यादा है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी। एडमिशन तक तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि एडमिशन तो 12 से भी ज्यादा ईजी है, बहुत इजी, छोटे छोटे क्वेश्चन है एकदम, रिजोल्यूशन ही है। ये हो गया, ये देखो गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी इक्वली, गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी इक्वली, सेम प्रोसेस। यहां पे इसने 1 करोड़ दिया, इसकी जगह ये कितना दे देगा,
चेक, और ये भी कितना दे देगा, गारंटी टू सी 50 लाख, इसका बच गया 4 करोड़। पल इलस्ट्रेशन 9 और अनसॉल्व 1, 2, 3 तो मत करना, बाद में कर लेना। अरे तो सर फिर पेंडिंग हो जाता है ना, आपको हम कल यहाँ कर लेंगे। बहुत भारी भारी चैप्टर। एक मिनट असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन कराए मैंने बोर्ड पे सारे, रिकॉर्डिंग देखो वापस। थोड़ी सर मैंने लिखी थी याद नहीं रखा थी, डेलीग्रेटर कमीशन ओवरराइडिंग सब लिखे थे मैंने। थ्योरी तो आती है उम्मीद, क्वेश्चन अटका रहता है, क्वेश्चन तो नहीं अटक रहा। लास्ट इलस्ट्रेशन रिवर्स क्वेश्चन कर दीजिए। नहीं अभी तो मार्जिनल कॉस्ट को बचाना, वो नहीं था हमारे इंटीग्रेशन आता था, लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं आता था, आता था पर पसंद नहीं, डिफरेंशिएशन आता था तो वो ये एक्स क्यूब ओवर 3 लिख रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, छोटा सा एकदम छोटा सा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, नाइन्थ क्वेश्चन का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। चार मिनट लगे, नाइन्थ क्वेश्चन का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अच्छा नाइन्थ क्वेश्चन का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एकदम छोटा सा है। चलो स्टार्ट, इलस्ट्रेशन 9th, यस आस्था, इलस्ट्रेशन 9th में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रेंट भी गिवन है तो रेंट डायरेक्टली प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन ढंग से, 4,60,000 ये रहा, हाँ तो 4,60,000 में से 60,000 माइनस कर दो लेस रेंट, पर मंथ कर लो उसको, इसमें पर मंथ कर लो। रेस ऑन कैपिटल मान लो उसको, इतना ही है जो है। वो तो अभी गुडविल में आएगा ना, आगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, तो पीछे अनसॉल्व भी तो है, तो उसके अलावा एमसीसी मॉड्यूल में तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन गिवन है, उसके अलावा से मतलब कोई वो वाला क्वेश्चन एज इट इज थोड़ी आ जाएगा,
कॉन्सेप्ट उससे बाहर नहीं आएगा उसको, तो फिर सीए मॉड्यूल का मतलब ही क्या है, कॉन्सेप्ट इसके बाहर नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट इसके बाहर नहीं आएगा। इसका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बहुत छोटा सा है, फटाफट बनाओ। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बताओ फिर, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करवाना है इसमें, एक दो मिनट का है। इसके बाद क्या होता है तुम्हारे, इसके बाद किसकी क्लास है? 10:30 से ही और जाते भी ऑन टाइम है। हाँ वही लिखा दो, लेस रेंट बाय नेट प्रॉफिट, लेस रेंट 60,000 टू सैलरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें सीए मॉड्यूल में पार्टनर्स कैपिटल में कुछ गलती है वो मुझे सुधरानी है, तो एक बार तुम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना लो, पूरा गलत पार्टनर्स कैपिटल बनाया हुआ है। ऐसे तो अपन करते ही थे ना पहले, इन्होंने डायरेक्ट कैपिटल में दिखा दिया था, वो बाद में आएगा। अभी तो तुम इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओ, नॉर्मल जैसे बना दो। अब अनिरुद्ध एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो समझना, इसका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बन गया भाई, नेट प्रॉफिट लेस रेंट 4,00,000 आ गया, टू इन टू सैलरी 1,80,000, टू आईओसी कितना है, और बस 1,00,000 का प्रॉफिट बांट दो 3-4-3 में 30-40-30। अरे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन सबका बन गया ना। अब एक लाइन इंपॉर्टेंट है पीछे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लो जो इसमें गलती है, आपके ये मॉड्यूल में भी गलती है, यहां से देखो, ये जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से पढ़ना दो बार। रेंट पेड टू आरती 60,000, अरे 60,000, सैलरी पेड टू क्या ये कृति मान लो, कृति कीर्ति कीर्ति कुछ भी मान लो, सैलरी पेड टू कीर्ति कितनी है 15,000 पर मंथ, तो 1,80,000। एक मिनट, ये तो हो गया 60,000 और ये हो गया 1,80,000। डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ रेस्पेक्टिव पार्टनर्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब सुनो क्या हुआ, सुनना ध्यान से, अगर आरती आरती को 60,000 रेंट मिला, या तो वो उसको बिजनेस में रखना चाहती है या विड्रॉन करना चाहती है, दो ही चीजें हो सकती है। तो बिजनेस में रखना चाहती है तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, और निकालना चाहती है तो ड्रॉइंग्स लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ड्रॉइंग्स लिख देंगे। ऐसे ही आरती को सैलरी मिली, दो जगह ट्रीटमेंट कहां होता है बताओ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। लेकिन ये बोल रहा है कि जैसे ही उनको रेंट और सैलरी मिली, उन्होंने अपना रेंट और सैलरी विदड्रॉन कर लिया, क्या कर लिया, विदड्रॉन कर लिया। तो होना क्या चाहिए, अगर आप इसको, अब आपके दो ऑप्शन है, या तो आप पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट मत करो, या तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, क्योंकि जैसे ही रेंट और सैलरी का टर्म आया, रेंट और सैलरी का नाम आया, इन्होंने अपने पैसे को विदड्रॉन कर लिया, तो एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट, या तो उसको क्रेडिट ही मत करो, और क्रेडिट कर रहे हो तो डेबिट भी करो। तो क्वेश्चन में गलत करा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इमीडिएटली रेंट और सैलरी को उन्होंने विदड्रॉन कर लिया, तो या तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट नहीं करेंगे, क्रेडिट करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट भी करेंगे। अब मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूं जो गलत है।
हाँ देखो अब इसकी गलती है, अब बताओ अनिरुद्ध इस गलती को हम कैसे सुधारे। इन्होंने रेंट और सैलरी क्रेडिट तो कर दिया लेकिन ड्रॉइंग्स में नहीं दिखाया। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो आप पार्टनर्स कैपिटल बनाते टाइम इसको काट दो। अगर मैंने इसको काट दिया तो ये पूरा क्वेश्चन अब सही है ना, यहाँ बैलेंस शीट ही चेंज हो जाएगा। ये तो सही है, इसने तो 120,000 पर मंथ की ड्रॉइंग करिए, सही दिखा दिया। या 60 कम करेंगे ना, तो माइनस करेंगे ना 254। देखो पहला ऑप्शन तुम्हारी बुक, अगर तुम्हारे पास एक बुक है तो उस बुक में या तो ऐसे करो, सुन लो पहले ध्यान से, या तो पहला ऑप्शन है कि हम रेंट और सैलरी को यहां से कट कर देंगे, बिकॉज जैसे ही उनको मिला उन्होंने विथड्रॉन कर लिया और इन्होंने ड्रॉइंग्स में शो नहीं कर रखा, तो या तो करके इसको चेंज कर दो ऐसे कर देंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, इनको ड्रॉइंग्स में भी लिखेंगे। इसकी ड्रॉइंग्स कितनी हो गई और इसकी ड्रॉइंग्स कितनी हो गई, अल्टीमेट कैपिटल तो यही आएगी। हाँ तो नहीं, टोटल तो ये आएगा लेकिन बैलेंस शीट ये दोनों आ जाएंगे। तो दो ऑप्शन है, या तो इन दोनों को काटो या इसको किसमें शो करो, ड्रॉइंग्स। अब बताओ तुम कौन सा करना चाहते हो, डेबिट क्रेडिट दिखाएंगे ही नहीं, पक्की बात है डेबिट क्रेडिट नहीं दिखाएंगे। चलो अपनी बुक में, बुक के पार्टनर्स कैपिटल में जो करेक्शन करना है वो करो। अगर आप डेबिट क्रेडिट नहीं दिखाना चाहते हो तो बुक के पार्टनर्स कैपिटल में करेक्शन करो, इसको काटो, सैलरी को काटो, रेंट को भी काटो। आइए अपने वो जो मेथड किया था उसमें तो वो आ रहा था टोटल। तो क्या क्या समझ में आया, पार्टनर्स कैपिटल में क्या चेंज करना है, रेंट और सैलरी को तो काटो और इधर बैलेंस शीट चेंज कर दो 366 और 250 लिखो, बुक में लिखो ये। रेंट भी दिखाया है, रेंट भी तो माइनस नहीं किया था केस में, अल्टीमेटली प्रॉफिट तो कम हुआ है ना, इससे भी प्रॉफिट कम हो रहा है, उससे भी प्रॉफिट कम हो रहा है, वो तो चलो मेथड है शो करने का, लेकिन रेंट और सैलरी अगर पार्टनर्स कैपिटल में शो करते हैं तो उसको ड्रॉइंग सिखाना। हाँ क्योंकि बेटा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, रेंट मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तीन चीजें डायरेक्ट माइनस होती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन, ये तीनों चीजें यहीं डायरेक्ट माइनस करनी है, यहाँ नहीं दिखाता। बाकी आईओसी सैलरी कमीशन प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो प्रॉफिट आ रहा है, पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट जा रहा है, तो पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट होता है, जा रहा है तो वो क्या हो गया डेबिट, और पीएनएल प्रोविजन में आ रहा है इसलिए वो क्या हो गया क्रेडिट हो गया। क्या लगे ना, अब यहाँ मैंने बताया ना नॉमिनल अकाउंट है, पीएनएल प्रोविजन में खर्चा हो रहा है वो क्या है नॉमिनल अकाउंट, और पार्टनर्स को मिल रहा है इसलिए पार्टनर्स क्रेडिट हो रही है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, हम उनको डायरेक्टली नहीं दे रहे, उनकी कैपिटल में प्लस कर रहे हैं, तो कैपिटल क्या हो रही है, करेक्शन कर लिया ना ये। अगर एंट्री नहीं करते हैं तो ये देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होगा ना, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस टू आरती ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू, क्योंकि ये तो रेंट है इसलिए पीएनएल से ड्रॉइंग्स आ गया, क्योंकि ये सैलरी है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ड्रॉइंग आ गया, और ये कैपिटल से निकाल दिया तो कैपिटल टू ड्रॉइंग आ गया, ये एंट्री हो जाएगी, और ड्राइंग करने की एंट्री तो ड्राइंग टू बैंक, ड्राइंग टू बैंक, ड्राइंग टू चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, रेंट इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, तो ये तीन चीजें कभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है जो हमने लिखना भूल गए थे, तो हम इसी प्रॉफिट में से यही माइनस करेंगे और नेट प्रॉफिट, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का आईओसी, पार्टनर्स का कमीशन, जनरल रिजर्व, ये सब यहाँ है।
अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ बाय बैलेंस शीट टू रेंट फिर टू टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, ऐसे भी कर सकते हो। हाँ उसमें दिखाया नहीं था तो अब दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ट्राई कर लेना अनसॉल्व। हाँ कल्पना कौन सा क्वेश्चन था वो? किसी के पास अकाउंट्स की मॉड्यूल बने क्या या वो दो एमसीसी मॉड्यूल? कल्पना वो वापस बताना कौन सा क्वेश्चन था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। कल्पना अच्छा हाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेज नंबर 620 पे 4 अगस्त की सेकंड एंट्री। अनमोल वो क्या नाम है उसका यू वो बुक देना मॉड्यूल 1। तो ये पता नहीं लग रहा कौन सा क्वेश्चन है। मॉड्यूल 1 हाँ 4 अगस्त की सेकेंड एंट्री। ओके कल्पना पहले जो क्वेश्चन था उसमें पहले अपन ने 4000 का बिल लिखा, 4000 में से 2000 जो एक्स को मिलने हैं 2000 वाई को मिलने हैं, क्लियर है। दूसरा बिल लिखा 7000 का, उसमें से 3500 एक्स को मिलने हैं 3500 वाई को मिलने हैं। अब होता क्या है कि एक्स को वाई को 2000 रुपीस पे करने थे पे, बट एक्स ने नहीं किया तो एक्स यहाँ क्या बन गया वाई का डेटर बन गया। एक्स वाई का क्या बन गया डेटर बन गया कितने रुपए से 2000 से। तो अब ये वाला बिल जब वाई ने डिस्काउंटिंग कराया है तो वाई को एक्स को देने हैं 3500। एक्स ने वो वाई ने बोला कि भाई पहले के तुम्हारे 2000 बाकी है वो तो मैं तुम्हें माइनस करके दूंगा क्योंकि तुमने पहले वाले 2000 पे नहीं करे थे। तो अब कितना पे करना है 1500 में जो नया बिल डिस्काउंटिंग करवाया है वो डिस्काउंटिंग करवाया है कितने में 6600 में, मतलब 400 में डिस्काउंटिंग करवाया है। तो 400 का हाफ 200 इससे डिस्काउंटिंग चार्ज करेगा, ऐसे 1300 का अमाउंट है। दोबारा समझ लो, एक्स को वाई को 2000 रुपीस देने थे उसने दिए नहीं, पहले नए बिल के अकॉर्डिंग वाई को एक्स को 3500 देने हैं। तो वाई जो है एक्स को क्या बोल रहा है कि 3500 में से 2000 तो पहले आपने दिए नहीं थे वो मैं कट करूंगा, तो वो कट कर दिए। फिर बचे हुए 1500 जो है उसमें से 400 टोटल डिस्काउंट था, तो जो एक्स का डिस्काउंट है वो 200 है वो भी माइनस कर देंगे। फाइनल आंसर आ गया 1300। तो कल्पना 7000 का बिल 6600 में डिस्काउंटिंग कराया है तो टोटल डिस्काउंट 400 हो गया। तो 400 में से 200 डिस्काउंट एक्स का है और 200 डिस्काउंट वाई का है, इसलिए एक्स में से 200 माइनस करेंगे। इनकी डील ये है कि 50-50% शेयर करते हैं। हाँ जी हेलो, हाँ जी हेलो, हाँ गुरु जी नमस्कार, धोक दूँ बस बढ़िया क्लास में हो, बताओ